आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, आपको यहाँ पर हेड कांस्टेबल प्लस ASI और सब इंस्पेक्टर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि NIA की ओर से यहाँ पर नई भर्ती निकाली गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि भारत के किसी भी कोने से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। आपको जहाँ पर वैकेंसी मिली ग्रुप सी की, आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, और अगर आप सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए देने होंगे, सभी जानकारी आपको वीडियो में दी गई है, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा। और अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको जहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, टोटल दो प्रकार की वैकेंसी दी गई है, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अगर हम इस भर्ती के जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इन इंडिया, यानी पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। वैसे यहाँ पर जो जो स्टेट के नाम दिए गए हैं, इन स्टेट में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए, करीब करीब आपको यहाँ पर सभी स्टेट देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा 25,500 लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, यानी काफ़ी आपको यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि UR, जनरल, OBC, SC, ST, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। आपको जहाँ पर एज लिमिट रहेगा UR और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30, OBC कैटेगरी के लिए 18 से 33, SC और ST कैटेगरी के लिए 18 से 35 जो एज काउंट की जाएगी वो 29 जुलाई तक की जाएगी, यानी कि 29 जुलाई को आपकी एज ने तो 18 से कम होने, 30 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपके यहाँ पर एज में छूट दी गई है, SST वालों को 5 रुपये दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि जो आपके यहाँ पर हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। आपकी जहाँ पर दौड़ रहेगी 1600 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 7.5 मिनट का समय भी दिया जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना है तो इन डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले दो फोटो की जरूरत रहेगी, जिनका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का मांगा गया है। उसके बाद से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको देना होगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा ये OBC, SC, ST, EWS कैंडिडेट को देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो कोई UR और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इस भर्ती का जो एग्जाम पैटर्न होगा, जो सिलेबस होगा, वो यहाँ पर बहुत जल्द अपडेट करा दिया जाएगा। जो इस भर्ती का सिलेबस रहेगा वो रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। जो इस भर्ती का एग्जाम होगा वो आपको यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी कि OMR बेस्ड आपके यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। ड्यूरेशन आपके यहाँ पर 2 घंटे होगा, यानी कि 120 मिनट आपके यहाँ पर एग्जाम चला जाएगा। इस भर्ती का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, उसकी जानकारी के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आपको कोई वेबसाइट पर आ जाना है। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना है, वो आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर कर देना है, डेट बताना है, पहले से बताना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इनके पास सेंड कर रहे हैं, यानी कि 10वीं 12वीं डिग्री जो भी आपकी जानकारी है वो आपको यहाँ फिल करनी है। आधार कार्ड भी आपको देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी दे देना है, यानी सभी के जीरोक्स देनी है, उनको सेल्फ टेस्टेड करके उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर देनी होगी। इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी है, OBC, SC, ST, EWS कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर आप हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन मेंशन करना है, ईमेल आईडी बताना है, टेलीफोन नंबर ब्लैंक छोड़ना है, मोबाइल नंबर देना होगा, पिन कोड देना है, कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा, जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आदि आपको यहाँ पर सभी जानकारी मेंशन कर देनी है। इसके बाद से आपको यहाँ पर फोटो लगाना है,
फोटो को सेल्फ टेस्टेड कर लेना है, कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, और आप एक ही पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना है, एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर वैलिड रहने वाला है ये फॉर्म। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जेंडर बता देना मेल फीमेल जो भी आप उसकी जानकारी देनी होगी, मैरिज स्टेटस आपको यहाँ बताना होगा, फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम आपको यहाँ मेंशन करना है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट और आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम मेंशन करना होगा। जो इस भर्ती का एड्रेस रहेगा जहाँ पर आपको फॉर्म सेंड करना होगा वो एड्रेस भी आपको यहाँ पर मिलेगा, लोधी रोड न्यू दिल्ली का आपको यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर सेंड कर देना फॉर्म फिल करने के बाद। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे NIA की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से यहाँ पर भर्ती चलाई जाएगी, आपको जहाँ पर वैकेंसी मिलेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी होगी और हेड कॉन्स्टेबल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, आपको जहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी इन इन स्टेट में दी जाएगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। इस भर्ती की जो सभी जानकारी रहेगी वैसे मैंने आपको दे दी है, अधिक जानकारी के लिए एक बार हमारी वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट जानकारी ले पाएंगे। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। इस भर्ती के लिए आपको फ्री में नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर बिल्कुल फ्री में इस भर्ती की सभी चीज़ें प्रोवाइड की गई है। जय हिंद, वंदे मातरम।